नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? यो ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि अब जब भी दोस्तों आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं या कोई भी डेबिट कार्ड लेते हैं, कोई भी प्रीपेड कार्ड लेते हैं, तो अब आप लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको रुपे क्रेडिट कार्ड चाहिए, रुपे कार्ड चाहिए, या आपको वीजा कार्ड चाहिए, फिर आपको मास्टर कार्ड चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप लोग टोटली बैंक पर दोस्तों यहाँ पर डिपेंडेंट थे। बैंक आपको अपनी मर्जी से कोई भी वीजा, मास्टर या फिर रुपया क्रेडिट कार्ड दे सकता था। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर आरबीआई का नया सर्कुलर आया है कि यहाँ पर कस्टमर खुद डिसाइड करेगा कि उसको किसके साथ जाना है, रुपए के साथ जाना है, मास्टर के साथ जाना है, या फिर वीजा के साथ जाना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि रूल जो है कब से एप्लीकेबल होने वाला है। साथ ही आपके पास जो पुराने क्रेडिट कार्ड है, क्या उनको आप लोग यहाँ पर अपग्रेड करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे रुपए क्रेडिट कार्ड के अंदर, पूरा यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को करे सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। आरबीआई ने ये सर्कुलर निकाला है, ये 5 जुलाई 2023 को ये सर्कुलर निकाला था कि कस्टमर जो है अब खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि उनको कौन सा रुपए वीजा या मास्टर क्रेडिट कार्ड चाहिए। और दोस्तों, ये 1 अक्टूबर 2023 से ये नया वाला रूल जो है वो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेबल जो है वो होने वाला है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि आप लोग कैसे जो है डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए, रुपए, मास्टर या वीजा। अब दोस्तों, आप लोग चाहे क्रेडिट कार्ड लीजिए, डेबिट कार्ड लीजिए, या फिर प्रीपेड कार्ड लीजिए, तो जब भी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आप लोग कोई भी क्रेडिट कार्ड के लिए, फिर प्रीपेड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। तो जब आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन आएगा कि रुपए लेना है, वीजा लेना है, या मास्टर लेना है, तो आपने वहां पर टिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहां पर मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो है रुपए क्रेडिट कार्ड ही लेंगे, क्योंकि रुपए क्रेडिट कार्ड का दोस्तों यहां पर बेनिफिट ये है कि रुपए क्रेडिट कार्ड को आप लोग दोस्तों यूपीआई से लिंक कर कर दोस्तों पेमेंट जो है मर्चेंट क्यूआर कोड पर कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। और यहां पर कुछ भी दोस्तों आप लोगों को एक भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़ते हैं। अब दोस्तों, यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आपके पास जो पुराने क्रेडिट कार्ड है, या पुराना प्रीपेड कार्ड है, या डेबिट कार्ड है, उसको क्या आप लोग अभी अपग्रेड करवा पाएंगे? मान लीजिए अगर आपके पास वीजा कार्ड है, तो क्या उसको रुपए में आप लोग अपग्रेड करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? या फिर मास्टर कार्ड है, तो उसको वीजा में, मतलब अपनी मर्जी से कोई भी कार्ड अभी अपग्रेड, पुराने कार्ड को अपग्रेड करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? तो नहीं दोस्तों, पुराने कार्ड जो आपके पास जिस भी कंपनी का है, जिस भी उसका है, मास्टर का है, वीजा का है, रुपए का है, पुराने कार्ड दोस्तों वैसे ही रहेंगे। लेकिन 1 अक्टूबर से जो भी नए कार्ड्स आपके पास आएंगे, उनको अपनी मर्जी से दोस्तों आप लोग यहाँ डिसाइड कर पाएंगे कौन सा आपको चाहिए, वीजा, रुपए या मास्टर। अब दोस्तों, यहां पर इससे आरबीआई को क्या बेनिफिट है? दोस्तों, आरबीआई को बेनिफिट ये है कि मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग जो हैं अब रुपए क्रेडिट कार्ड को ही यहां पर लेना जो है प्रेफर करेंगे, और सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड में ही आपको इसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रुपए जो है यूपीआई से लिंक हो जाएगा। अब दोस्तों, रुपए जो है वो जानते हैं कि हमारे इंडिया का है, हमारे इंडियन दोस्तों इसको लॉन्च करा है। वहीं दोस्तों, अगर यहाँ पर मास्टर और जो वीजा है ये इंडियन नहीं है, ये दोनों बाहर के हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जब भी दोस्तों हम लोग अपने कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो बैंक्स हैं उनको दोस्तों वीजा और मास्टर वालों को हर ट्रांजेक्शन पर एक सर्टेन अमाउंट जो है उसको पे करना पड़ता है। लेकिन रुपए इंडिया का है, तो यहाँ पर बैंक्स को कोई भी दोस्तों चार्जेस जो है वो नहीं देने पड़ते हैं, और देने भी पड़ते हैं तो बहुत मिनिमल चार्ज होते हैं, बहुत कम चार्जेस होते हैं वीजा और अगर हम लोग मास्टर के एज कंपेयर करें तो। तो यहाँ पर दोस्तों, मुझे यकीन है कि अब सभी लोग जो है अपने क्रेडिट कार्ड को रुपए क्रेडिट कार्ड ही लेना प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी? क्योंकि ये अभी 5 जुलाई को सर्कुलर आया है, और 1 अक्टूबर 2023 से दोस्तों यहां पर ये नया रूल जो है वो एप्लीकेबल होने वाला है। अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग दोस्तों 3.5 महीने जो है अभी रहे हैं इस रूल को एप्लीकेबल होने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को आरबीआई का ये नया स्टेप कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, हमारे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।